ये दो गौमूत्र की शीशियां हैं और ये दो गौमूत्र की शीशियां हैं और ये पत्र है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी उसकी कॉपी दे रहे हैं भोपाल के NHM को और ये है कुरियर की रिसीट जिसे कुरियर किया जाएगा दोनों कुल मिलाकर स्थिति यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो भोपाल की सांसद हैं जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी उनका ये कहना है कि गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है इससे इलाज किया जा सकता है मैं लिखता ये गौमूत्र धार लेती हूँ। सवाल ये उठ रहा है कि इस समय गांवों के अंदर अतिक्रम संक्रमण फैला हुआ है और वहाँ और कोई सुविधाएं अभी तक पहुंच नहीं पा रही वो शहर में आ रहे हैं। एक धार्मिक आस्था है गौमूत्र के बारे में हिंदुस्तान के लोगों मैं केंद्रीय मंत्री जी को चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ कि वो बताएं कि ICMR और DRDO ये इसको प्रमाणित कर रहे हैं क्या कि ये गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है क्योंकि ये ग्रामीण जनता इस ओर जा सकती है साध्वी जी के इस स्टेटमेंट के बाद। और मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि जो कोरोना प्रोटोकॉल इसमें ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन टोसिल जो चल रहे हैं आज जिनकी कमियाँ हैं क्या बगैर इसके भी कोरोना का इलाज हो जाएगा वो ICMR से और DRDO से इसको साइंटिफिकली प्रूव करें रिसर्च करें और देश की जनता को संदेश दें बताएं अगर ये है तो हम भी इसी लाइन पे चलने लगे और लोगों की इस मामले में मदद करें। ये सवाल मेरा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी से और NHM जो भोपाल का पूरा स्वास्थ्य विभाग देख रहा है मध्य प्रदेश का इन दोनों से इसलिए दोनों को कोरियर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो देश को संदेश देंगे कि जो प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा है वो सही है या ये एक भ्रम है इसलिए भ्रम न फैले इसलिए ICMR से अप्रूव करा के इस चीज को उनको बताना चाहिए ये उनकी ड्यूटी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।